मोदी जी के राज में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लगता है, मोदी का नाम भी निकलेगा तो आँख से पानी आता है। अभी आगे क्या होएगा तो हम लोग को मालूम है, बाबा साहब ने सबके लिए एक मानव जाति के लिए ये सब कुछ किए लाए, तो कुछ नहीं होने वाला मोदी से। मोदी ने जब भी लगता कि जय भीम बोलने वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, जरूर बनना मांगता है, मगर हम लोग को बहुत प्यार है ना, हम लोग दूसरे को ही चुन के देते। ये ना मोदी जी के राज में खुश, ना सिंधेगढ़ के राज में खुश, हमें तो बाबा साहब के विचारों का सरकार चाहिए। राम राज्य है तो राम राज्य तो सबके लिए अच्छा था, ऐसा मोदी जी बोला। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें तथागत भगवान बुद्ध का राज्य चाहिए। तो जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर की दीक्षा भूमि में और आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो लगातार आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग है लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और ये देखिए, ये सब तमाम भीड़ है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको ये भी आपको बता दें कि देश विदेश से जो लोग हैं लोग यहाँ पर आते हैं, भिक्षु संघ आते हैं, उपासक आते हैं। तो तमाम लोगों से आइए हम बातचीत करेंगे, इनसे क्या क्या कहना चाहिए, कहाँ कहाँ से आए हैं। तो कहाँ से आए हैं सर आप? चंद्रपुर। चंद्रपुर से आए हैं, क्यों आए हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये करने के लिए अस्थि कलश का दर्शन, हम दर्शन करने आए हैं। क्या हुआ था आज के दिन, कुछ पता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। तो देखिए लोग जो है, ये लोग बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर देखिए भीड़ इतनी है कि लोग जो है वो दर्शन करने के लिए लगातार लाइन में खड़े हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं कर्नाटक से, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट सिरगुप्पा। क्या बताएंगे आज की धमक क्रांति समानते हो, लिबर्टी का सभी बोधिसत्व का सभी समानते हो, उसका असली वो देख सकते हैं आए उसको। और आप कुछ बताएंगे आज के मौके पर? हम आज कर्नाटक आए, बल्लारी। देखिए मैं कह रही हूँ बार बार कि देश के कोने कोने से लोग आए, कर्नाटका से आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मुंबई से आए, कांदिवली। हाँ, मुंबई से कांदिवली। आज क्या हुआ था, कुछ जानते हैं आज के बारे में? आज बाबा ने दीक्षा दे थी आज का दिन। हाँ, दीक्षा दी थी, मतलब क्या हुआ था? बाबा साहब ने आज के दिन हम सब इतना जनता लोग को दीक्षा दे लिए ना, आज का दिन धर्म दिया। हाँ, आप सब तमाम लोग बौद्ध है? हाँ, हम सब बौद्ध है। हाँ, सब बौद्ध है। तो देखिए मुंबई से भी लोग आए हैं, कर्नाटक से भी लोग आए हैं और भी काफी सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं और सब लोग एक आस्था के साथ आए हैं और अपने आस्था को लेकर आए। बल्लारी में कर्नाटक में आए। क्या बताएंगे आज के मौके पर? कर्नाटक कन्नड़ बात करो। लैंग्वेज भी बैरियर आ रहा है और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आशिक यहाँ पर क्या चीज है। अगर आप शांत रहेंगे तो हम आएंगे, क्योंकि है ना। तो नासिक से लोग आए हैं और काफी यहाँ पर उत्साह इनके इसमें देख रहा है, काफी जोश इनमें दिखा है। तो क्या बताएंगे आज के मौके पर? हम हर साल ये मौसम में हर साल आते, मैं नासिक जिले से पेट गाँव में 55 किलोमीटर से हर साल आता। मेरे साथ मेरे भांजे है, मेरे भतीजे है, मेरे दोस्त लोग है। हम एक पूरे टीम को कोई भी समस्या हो, लेकिन हर साल इधर आते ही आते और इधर आके हमारा जीवन बहुत सफल होता है। अच्छा, क्यों आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बाबा साहब ने 1935 को येवले मुकवा में घोषणा की थी, वो साल बड़ा उनका वो साल घोषणा लेके यहाँ पर हम आते। हिंदू धर्म बाबा साहब ने छोड़ा था और बुद्धिज्म को स्वीकार किया था, इस बारे में क्या लगता है आपको कि क्या बुद्धिस्ट हो पाए हैं हमारे लोग? इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 25% लोग हो चुके। लेकिन बुद्ध धर्म से बहुत शांति मिलती है, घर में भी आबादी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म स्वीकार है वो 100% एकदम सही है। अच्छा, मोदी जी के राज में खुश है आप? बहुत ही बहुत। मोदी जी के राज में नहीं खुश, ये ना मोदी जी के राज में खुश, ना सिंधेगढ़ के राज में खुश, हमें तो बाबा साहब के विचारों का सरकार चाहिए, तभी ये देश आशीष बाबा साहब के विचारों पे चलेगा। जय भीम, जय भारत। तो यहाँ पर बाबा साहब के विचारों की सरकार की भी बात करें और भी लोग हैं, कई लोग हैं, कई लोगों से हम बातचीत करेंगे। युवा वर्ग यहाँ पर दिख रहा है, बड़ी तादाद में दिख रहा है, तो देखेंगे हम कोई बात करने की अगर इच्छुक होगा तो उनसे हम बात भी करेंगे। जोश काफी है, लेकिन ये जोश कहाँ लेकर जाएगा युवाओं को, ये तो समय ही बताएगा। आए आप लोग? आज
आज बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी हम सब लोगों को। तो बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी कि इसका मतलब क्या क्या मानते हैं? इसका मतलब है कि पंचशील पालन करो, अच्छे रहो, मनुष्य के साथ मनुष्य ने अच्छे तरह से रहो, आचरण अच्छा करो। तो अभी जो बुद्ध धर्म लेने के बाद जो लोग है वो बुद्धिस्ट बन गए या फिर हिंदू रहेंगे? नहीं, बुद्ध बन गए सब। बाबा साहब दीक्षा ले तो बुद्ध बन गए ना अपन सब। क्योंकि उसमें हमको कुछ बाबा साहब को अच्छा नहीं लगा, हमको कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, सूट जीवन नहीं था हमारा, ऐसा जानवर को जानवर जैसे जीवन जगते हैं। हाँ, इंसान की तरह बाबा साहब ने हमको बनाया और इसलिए बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो देखिए, एक महिला भी जो है वो वोकल तरीके से बात कर पा रही है, लेकिन जो है दिक्कत क्या है कि भीड़ ज़्यादा आने की वजह से हम भी ज़्यादा जाम नहीं कर पा रहे हैं और अधिक तरीके से बात नहीं, ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रही है। कहाँ से आए चाचा जी? हम औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हम 30 लोग आए हुए। औरंगाबाद से 30 लोग आए हैं और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं कि जो यहाँ पर आकर लगातार जो है बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं, दीक्षा भूमि को विजिट करने। कहाँ से आए? औरंगाबाद, ये दीक्षा भूमि देखने के लिए। तो और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करने वाले हैं। सर क्या बताएंगे आज के मौके पर? 66वां परिवर्तन दिवस है आणि बाबा साहेबांनी ह्या दिवसाला आपल्याला दीक्षा दिलेली होती। गौतम बुद्ध हे आपल्याला गौतम बुद्धाचे परित्रण धम्म दिए आहेत बाबा साहेबांनी नागपूर से। मैं विक्रोली से आया, कन्नमवार नगर से। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने लिए बहुत कुछ किया है, उसके आज के दिन जो याद आती है, हम तो दर दिन याद करते हैं, मगर आज का दिन उनके लिए हमारे लिए बहुत भाग्यशाली, इसलिए आपको कितना भी तकलीफ हो रहा तो मगर हम आ जाते हैं। हम 17 महिलाएं, हमारे महिला ही है 17 जन। हम लोग ट्रेन से होके इधर से आए। हाँ, और हम लोग 3 तारीख को गाड़ी में बैठे, 4 तारीख को इधर उतर गए। फिर कोई कोई दिक्कत नहीं, जब अपन खाने पीने का हम लोग का ऐसा चपाती भाजी बहुत कुछ लाए थे। हाँ, तो हमारे को 2-3 दिन बराबर पैक करके लिया, हम जन आराम से खा लिया। और आज का दिन तो खाने की कोई बात ही नहीं, आज का दिन तो जिधर देखो उधर खाने के लिए बहुत मिलते थे, और खाना खा के जिसको मिलता है ना खा लेते थे। अच्छा, ये मोदी जी के राज में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लगता है, मोदी का नाम भी निकलेगा तो आँख से पानी आता है। अभी आगे क्या होएगा तो हम लोग को मालूम है, बाबा साहब ने सबके लिए एक मानव जाति के लिए ये सब कुछ किए लाए, तो कुछ नहीं होने वाला मोदी से। मोदी ने जब भी नहीं लगता कि जय भीम बोलने वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, जरूर बनना मांगता है, मगर हम लोग का बहुत प्यार है ना, हम लोग दूसरे को ही चुन के देते। क्यों? बाबा साहब ने सबके लिए ये संविधान बनाया, इसलिए हम लोग के भी जो लोग रहते हैं उनके दिल में बहुत प्यार रहता है सब मेरे सब। क्या नाम है आप? मेरा नाम शांता बौद्ध, मैं गैजेट किए लाए। अच्छा। अपना नाम आप? हाँ, ये विक्रोली से आए हैं और जो बौद्ध दिखे, बौद्ध लिखे और बौद्ध बने वाली जो बात बाबा साहब कहे थे, उस बात पर खरे भी उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गैजेट से उन्होंने नाम भी बदल दिए हैं। बाबा साहब के लिए प्यार देखिए लोगों का, बाबा साहब के लिए सम्मान देखिए लोगों का। जय भीम, क्या बताएंगे हमारे लिए? हम अमरावती से आए हैं, हम 10-15 लोग है। हाँ, हमने तुम्हारे मम्मी देखे है हमने। हाँ, इसीलिए मैंने बहुत दूर से तुमको पहचाना है। हाँ, तो मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा। राम राज्य बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो ठीक है वो बना रहे, वो उनका प्रॉब्लम है, हम तो बुद्धमय बनाने के लिए निकले हैं। आप उत्तर भारत की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, नहीं हम तो बुद्ध, ये एक्चुअली मुझे ऐसा कहने का है, जिस टाइम में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, एक्चुअली बोले तो सम्राट अशोक ने इस देश में 84,000 स्तूप किए, 84,000 स्तूप,
उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी थैम्स एंड पाकिस्तान हिंदू कोड बिल स्टेट एंड माइनॉरिटीज कास्ट इन इंडिया, बहुत से लोगों को मतलब बहुत से ग्रंथ ऐसे अंबेडकर ने लिखे। और ऐसे ही बोले तो इस अभी मोदी के टाइम में हिंदू राष्ट्र बनाना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश का एक्चुअली बोले तो ये देश में सम्राट अशोक ने राज किया है। सम्राट अशोक ने कोई भी प्रकार के जात और धर्म के भेदभाव नहीं किया है, कि सम्राट अशोक ने कोई भी जात धर्म का भेदभाव नहीं किया है। ऐसे ही उसी प्रकार का डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले अखंड भारत का निर्माण किया था सम्राट अशोक राजा ने। और अभी ये टाइम में मतलब 1947 से स्वतंत्र होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बाकी सब धर्मों का अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद बुद्धि प्रामाण्य। कहाँ से आए आप? मैं जलगांव जिले से आ रहा हूँ। क्या करते हैं? खेती काम करता हूँ और 12वीं तक पढ़ा हूँ मैं। क्योंकि धन्यवाद आपका कि आपने हमसे बातचीत की है। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सब भारत देश के सब भारतवासी बौद्ध उपासक यहाँ पर आए हैं, सभी को मैं मंगल कामना चिंता हूँ। 2 साल में इतनी बड़ी भीड़ हो गई है, अच्छी बात है। सब आ रहे हैं, सब गांव के लोग। कहाँ से आ रहे? मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, मोदी जी के राज में कैसा लग रहा है सोलापुर के अंदर? मोदी जी के राज्य में तो सब बुराई हो रहा है, अच्छा ही नहीं हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है, कैसे क्यों बोल रहे हो? सब महंगाई बढ़ गई, 1000 रुपए भाव गैस का बढ़ गया है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो राम राज्य है, तो राम राज्य तो सबके लिए अच्छा था, ऐसा मोदी जी बोले? हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें तथागत भगवान बुद्ध का राज्य चाहिए। युद्ध नहीं, हमको बुद्ध चाहिए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।